हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाबी शौक दोस्तों, शाम दी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक हाजिर अज दी एक नवी वीडियो लैके। तो अज दी वीडियो पैंदा तो नहीं हैगा, अज दी वीडियो अमेरिकन पिटबुल टेरियर के उपर दोस्तों, बड़ा ही प्यारा अज पिटबुल, ओए ओए बस 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 दोस्तों, बड़ा ही प्यारा पिटबुल मेल। तो इस मेल का लेटर होया सामा भाई दे कोल, ठीक है, यानी कहिंदे बच्चे होए ने, फीमेल भी भाई दे कोल आ। तो तुहानू चैक कराने वीडियो के अगर पहले मेल चैक कराने तो फिर इनका अगर खानदान जरा नसल वो चैक कराने तो सामा भाई के शौक के मुकला कि इन्नी कम उम्र के पिटबुल का शौक और कैसा एक्सपीरियंस रहा तजर्बा जहरी वाला। हर बंदा नई नसल रखने तो पहले कई दफा उन्हें बारे सोचता कि यार मैं जो डिसीजन लैन लगा हाँ ये किस तरह का रहेगा, सही है गलत आ। तो यार तुम चैक कर लो, मस्कुलर डॉग आ, ठीक है, गर्मी है, गर्मी की वजह से तुम्हें पता ही है फिर हर डॉग के उपर जोड़ा है वीकनेस आ जाती है, मगर सर्दी के बच्चे फिर बहुत खुश रहेंगे। तो वीडियो नैन तक वेखो दोस्तों, पहले मेल चैक कराने वीडियो के, फिर नैक्सट सूँ अपना जो है इनके पप्पी तो फीमेल चैक कराने जी। दोस्तों सब तो पहले तो इनका फादर चैक करो बच्चों का जी, जैक, तो बाद बच्चे वेख के चैक कराने वीडियो के, सामा भाई ने भी मिलाने हैं। तो सामा भाई को पुछते हैं जी निकी उम्र कितों जो खतरनाक शौक इन्होंने पैदा होगा जनाब। तो है जी मेल, क्या नाम बता रहे इसका, जैक, ये कितनी एज होगी इसकी, 1.5 साल, 1.5 साल ही बच्चा पाला था आपने। और जो फीमेल है इसके साथ, वो 3 साल की, नहीं वो भी बच्चा पाला था आपने, नहीं वो एडल्ट थी, पहला लिटर लिया इसका। हाँ। भाई दोस्तों पहली दफ़ा जैक के बच्चे हुए हैं माशाल्लाह खूबसूरत, ये ब्लू कलर सा लग रहा है इसका ना, माशाल्लाह से हैवी मेल है जी, हाइट बड़ी प्यारी है इसकी और एक्टिव है, एक्टिव है। तो सामा भाई इसके सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के हैं ये, अच्छी ब्रीड है, मतलब एक ये रॉटवाइलर के कंपैरिजन में आती है, और जिस तरह जर्मन शेफर्ड होते हैं वो एक सेंसिटिव डॉग है, लेकिन ये बहुत टफ है और ये गार्ड डॉग के लिए बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों बाकी गलों ने बैठ के करांगे ना सारियां, तो बाकी जो है तो पहले डॉग चेक करवा दिए, जरा वाक करवाएं थोड़ी सी से बैक साइड भी चेक करवाएं से, ये देखे दोस्तों आ तुम मेल चैक कराने लगे जिंदे बच्चे ने लेटर होया ने, तो भाई को पूछा कि समा भाई को किन्ने बच्चे ने तुम लोग चैक कराने, बच्चे अपना इन्होंने कोल ही ने पेयर, तो माँ भी इन्होंने कोल ही है जी, है बच्चे ने, तो उन्होंने किनिया मेल तो किनिया फीमेल ने वो भी तुम चैक कराने, तो बाकी जी डिटेल गलबात होगी वो असं अपना भाई बैठ के करते हैं। जो पंजाबी शौक ने सबसक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर भी कर दो। ए दोस्तों पिटबुल की वीडियो तुहाडे वास्ते ते फैसलाबाद दे विच, ठीक है, नैक्सट चलते हैं समा भाई, चलिए फिर बच्चे दूसरे चैक कराइए फिर जी। दोस्तों तो यह पिटबुल पपी ने, ठीक है, जो तुम अज वीडियो चैक कराने लगे हैं किन्ने मेल तो किनिया फीमेल ने समा भाई को पुछते हैं, तो यह चैक कर लो जी, यह पिटबुल ने जो तुम बच्चे चैक कराने लगे हैं, तो इन्हों की माँ भी आ गई, पहनती तो नहीं हैगी, यह देख लो, बस 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 वो बस 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 है। दोस्तों फीमेल आई है तो बच्चे शुरू हो गए ने, स्टार्ट हो गए ने, ठीक है, तो किन्ने मेल किनिया फीमेल ने तुहाडे को भाई को पुछ के दसांगे। और फीमेल का ही पहला लीटर नहीं, तीसरा, तीसरा लीटर आपके पास, तीसरा है इसके पास, लो ये तीसरा लीटर है दोस्तों, चेक कर लो। ऐ बच्चे ने तो हम दोस्तों तुम चेक करा दें फट के एक दफ़ा किन्ने मेल तो किनिया फीमेल, समा भाई कराओ मेरा चेक, जितने लाइट ब्राउन है सारी फीमेल है, एक चॉकलेट कलर में, अच्छा ये फीमेल है, इसे अलग छोड़े इधर जरा बैठ के बनाते हैं ये, अच्छा वो फीमेल होगी, एक फीमेल भी बड़ी फ्रेंडली है यार, बड़ा अग्रेसिव नहीं हैगी, हाँ सेकंड फीमेल होगी, नीचे ही ना आ जाएगी, तो यह भी दोस्तों फीमेल आई, यानी लाइट कलर के जिन्हें ने फीमेल आने सारियाँ, नीचे छोड़ो जरा इन, तो चॉकलेट के बच्चे किन्ने मेल आ, टोटल बच्चे कितने हैं, नौ बच्चे हैं जिन, हैं जी एक फीमेल छह लोग, नौ नहीं, उनमें क्या क्या अभी है, चॉकलेट में पांच मेल हैं, पांच मेल एक फीमेल, चॉकलेट में तीन फीमेल जो लाइट कलर, तीन फीमेल जो लाइट कलर में है, और सेल जो हुई है वो चॉकलेट वाली हुई है, चॉकलेट फीमेल सेल हुई है, ठीक है दोस्तों ऐ करो चेक। तो हम उन्होंने भी अपने रिस्क में जुड़ गए ने, कितनी एज होगी इनकी, 37 दिन के हो गए जी, लो जी दोस्तों चेक करो पिटबुल पपी, ठीक है, तो सलाह नाल वेखो, तो बाकी मजीद जड़ी गलबात हैगी है वो भाई दे नाल करांगे इंशाल्लाह, ठीक है। चॉकलेट दे वेचे
फाड़ना बच्चा पाएगी इतनी डर जहा ही लगता है कि करिए फिर ए जी चॉकलेट दे मेल है ठीक है ए चेक कर लो ए बच्चे ने ए चॉकलेट च मेल है ए देख लो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामदीद कहने हैं अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक च। तो दोस्तों तुहानू सब जिस तरह से वीडियो दे पहले चेक किया कि तुहानू अज वीडियो साडी अज दी जिहड़ी वीडियो हैगी पिटबुल ब्रीड दे उपर आ। तो अज दी वीडियो सानू पिटबुल दा शौक करवाउण लगे हैं। असामा भाई कोल हाज़र होए हैं। तो किस तरह इन्हां दा अपना शौक जा रहा हैगा वा पिटबुल ब्रीड दे मुतलक, की इन्हां दा तजर्बा की एक्सपीरियंस होया इन्हां नू, ते इन्नी कम एज दे विच पिटबुल दा शौक करना। तो असामा भाई को सारी तुहानू अपना डिटेल लैके दिंदे आ। और नैक्सट वीडियो में तुम दस्या कि जो इन को मेल आ जैक जैक का लिटर होया जनाब 8-9 बचे हुए हैं, फीमेल भी इन्हें कोल आ, बच्चे भी इन्होंने कोल आ। नैक्सट वीडियो तुम भी चैक कराने तो समा भाई के शौक के मुतलक कि किस तरह मतलब पिटबुल ब्रीड की तरफ आए और की कमेंट करते इस ब्रीड के मुतलक और कि ब्रीड का जोड़ा शौक कर चुके हैं और उस ब्रीड के मुतलक ये की कमेंट करते हैं कि ब्रीड आया कि घर के रखने वास्ते एक सिंगल बंद वास्ते जोड़ा कि यानी कह लो कि स्टडी भी करे जॉब भी करे वो शौक भी करना चाहे तो उनके वास्ते केड़ी ब्रीड बेस्ट आ। अस्सलाम वालेकुम जी सामा भाई। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं तकरीबन 8 साल तो शौक कर रहा वा। तो स्टार्ट मैं किया पिटबुल जर्मन शेफर्ड तो लैबराडोर रॉटवाइलर डोबरमैन तो कॉमन जड़ा गुलटेर कोहाटी गुलटेर हुंदा वह भी रखे वा। तो इस तरह सारा सारा शौक जड़ा ना स्टार्ट यानी हर ब्रीड नु तुसी वक्तन वक्तन जड़ा हैगा वा चस लई है। हाँ मैं बस रख के जैका केड़ी चीज दा है जी? जैका जड़ा वो रॉटवाइलर मेनू पसंद आया। अच्छा। गार्ड डॉग दे वास्ते जड़ा ते ओ तो बाद जड़ा पिटबुल अमेरिकन पिटबुल टेरियर ते ए दो ब्रीड्स ने मेरी फेवरेट पर्सनली। ते गल है वा कि हर बंदे दे साम बना ली नहीं नसल जी जी। ते मैं तकरीबन 8 साल तो स्टार्ट किया शौक ते मेरे दादा जेड़े सी उन्होंने रखे हुए सी जर्मन शेफर्ड शुरू तो मैं बचपन तो ना घर च वेख रहा जी जर्मन शेफर्ड असी रखे हुआ सी। ते सामा भाई जर्मन शेफर्ड दे मतलब की कमेंट करदे हो? मेरे नज़र दे विच ते जर्मन शेफर्ड एक सरासर लेजी कुत्ता वा, जे किसी बंदे ने अपना टाइम ज़ाया करना ना तो वो जर्मन शेफर्ड रख लेवे, जिन्ने किसी ने टेंशन पानी ना अपने आप नूं जर्मन शेफर्ड रख ले। ऐदा ही गल जर्मन शेफर्ड जी ना जिन्ना एक बंदे की केयर होंगी ना उस तो ज़्यादा तुसी ओदी केयर करनी है। ठीक है जर्मन शेफर्ड सर्दी गर्मी का ओदा वेखना की हिसाब किताब है तो जी जरा उन्हू चोट भी लगे ना तो उन्हें लेट जाना लम्बे पै जाना जी कि मैनू ऐ की हो गया इस तरह ही दो डॉग्स आपस अटैक कर देने तो इदा हो जाता कि जिदा पता नहीं इन्होंने मैनू मार दिता इन्हें। बस इदा ही है। तो सामो भाई पिटबुल के शौक के फील्ड आया तुहानू किन्ना अरसा हो गया? मैं बच्चा परचेज किया लाहौर तो ब्रीडर ने डबल एक्सएल पिटबुल ब्रीड कराते हैं तो 2019 के ही परचेज किया 3 महीने का सी बच्चा तो हूँ मेल सी वो मेल जड़ा सी हूँ अडल्ट हो गया तो तकरीबन 2-3 साल हो गए ने पिटबुल का शौक कर दिया। यानी पहले तो साढ़े घर से मेल आया तुसी पपी मेल लिया उन्हों अपना पालिया तो नैक्सट तुसी अपना अगे आके फिर अपना फीमेल हूँ परचेज की इन वास्ते ब्रीडिंग वास्ते फीमेल जड़ी सी इस्लामाबाद एक होंगे ने दोस्त साउथ अनवर नाम उन्हों का तो वह फीमेल उन्होंने को परचेज की उस तो बाद फिर ब्रीड का बनया क इरादा कि जी ब्रीड ले को मेल अपने घर का ही सी को स्टार्ट कराई है फीमेल तो 10 बच्चे दिते सी उन्हें तो जिन्हों एक सेल हो गई फीमेल तो 9 बच्चे जड़े ने अवेलेबल। तो समा भाई दोस्त जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं इन हूँ किन्ने मेल और किनिया फीमेल पे जहाँ हम दोस्तों वीडियो के सेल वास्ते चैक करवाया ने जरा एक दफ़ा कन्फर्म कर दौ। ये 5 मेल्स ने चॉकलेट कलर और एक फीमेल चॉकलेट कलर की 3 फीमेल जी ना वो लाइट ब्राउन कलर गोल्डन कलर 3 फीमेल्स। तो समा भाई बच्चे ने देख रहे हैं अपना दोस्तों के वीडियो चैक भी कराने तो ये देख रहे हैं कि अपना बाप का कलर जड़ा है ब्लू कलर आ, माँ का कलर जड़ा है वा गोल्डन कलर आ ब्राउन कह लो तुसी उनू। ते चॉकलेट बच्चे केड़ी साइड तो ब्लड चो आ रहे हैं, फादर वालों आ रहे हैं कि मदर वालों आ रहे हैं? असल जो गल है ना कि ब्लड लाइन जड़ी ना वो बहुत मैटर कर दी। ठीक है जड़ा मेल है बड़ी अच्छी यदि ब्लड लाइन तो मेल मेल दे दोनों पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जड़े सी ना वो दोनों सारे चॉकलेट कलर के सी
ਤੇ ਮੇਲ ਜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ 7 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਕਲੇਟ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਕਲੇਟ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਚੋਕਲੇਟ ਆਏ ਨੇ। 5 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੀਮੇਲਾਂ ਬਰਾਊਨ ਆ ਔਰ 1 ਫੀਮੇਲ ਚੋਕਲੇਟ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ 5 ਬੱਚੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਕਲੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਲਫ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਡ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਲਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਡਰ ਨਾ ਕਰ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਫਿਰ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੋਗ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪਿਟਬੁਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੋਗਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੋਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਟਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਬਰੀਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨ। ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਟਬੁਲ ਬਰੀਡ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਡੋਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਟਬੁਲ ਬਰੀਡ ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਬਰੀਡ ਆ? ਪਿਟਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜੈਕ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੇਜ਼ਲ। ਹੇਜ਼ਲ 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 ਜੈਕ ਔਰ ਹੇਜ਼ਲ ਦਾ ਲੇਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5 ਮੇਲ 5 ਮੇਲ ਨੇ ਚੋਕਲੇਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਚੋਕਲੇਟ 3 ਬਰਾਊਨ ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਫੀਮੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਡੋਗਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਰੀਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਫੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਹੈਲਥੀ ਵੈਲਥੀ ਪੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਈ ਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।